नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। और एक खबर बड़ी तेजी से आ रही है और पिछले 24 घंटे से इस खबर पर हमारा नज़र था। हमने प्रयास किया कि इस खबर की सत्यता को प्रमाणित करें और इसके लिए हमने लगातार कई लोगों से बातचीत किया और इस बातचीत के आधार पर जो चीज़ें तथ्य सामने निकल करके आ रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो होना ही था। लगातार नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव की जो कमान है अपने हाथ में लिए हुए हैं और विभिन्न तरह की तैयारियां शुरू हो गई है। उन तैयारियों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तैयारी है और उस तैयारी को हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद वो कई तरह के प्लान बना रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर के नरेंद्र मोदी कैसे अब आगे हैट्रिक ली जाए, हैट्रिक सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी तैयारी में लग गए हैं। और इस तैयारी में कई तरह की उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, कई तरह की रणनीतियां बनाई हैं और प्लान 10 जो मोदी ने बनाया है वो प्लान काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसमें 10 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, 10 तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। उन कार्यक्रमों की जिम्मेवारी भी अलग अलग लोगों को दी गई है। 10 मंत्रियों को अलग अलग प्रभार दिया गया है और उन्हें उनके काम को समझा करके उस पर पूरा फ्लो चार्ट बना करके उस पर काम करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी में ये भी है कि कैसे आगे 2024 के चुनाव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मोदी का जो ट्रिपल प्लान है वो काफ़ी कहा जा रहा है सशक्त प्लान है और इस प्लान पर वो काम शुरू कर चुके हैं। इस ट्रिपल प्लान के 3 धड़े हैं, एक नरेंद्र मोदी खुद, दूसरा अमित शाह और तीसरा जेपी नड्डा। इन तीनों ने मिल करके जो प्लान बनाया है उसकी मॉनिटरिंग राजनाथ सिंह कर रहे हैं। आपको बताया कि इस पूरे प्लान में कैसे देश भर में अलग अलग जो विरोधी दल हैं या तो उनके वोट बैंक पर हमला किया जाए या फिर उन्हें आग्रह करके या साम दाम दंड भेद के तहत उन्हें अपने पाले में लाया जाए। इस पूरी तैयारी में आपको बता दें कि फील्डिंग बहुत जबरदस्त टाइट हो गई है और इस फील्डिंग टाइट होने के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि इस व्यवस्था में और कई लोग जुड़ेंगे जिसमें नाम नीतीश कुमार का भी आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ भी प्लान सेट हो चुका है और सिर्फ हाँ का इंतजार है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा जिसके लिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सामने चिरौरी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि इस पूरी व्यवस्था के तहत जो नरेंद्र मोदी ने प्लान 10 बनाया है उसमें 10 ग्रुप भी बनाए हैं और सरकार से लेकर के संगठन तक नरेंद्र मोदी सभी चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और एक इंच भी दाएं बाएं नहीं हो रहा। उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है और हर क्षेत्र का सर्वे आ रहा है। जो सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे उसके अलावे जो सीटें बच गई है या भारतीय जनता पार्टी अब तक जिन सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने में और उसके बावजूद भी असफल रही है वहाँ विशेष फोकस करने की व्यवस्था की गई है। जैसे बिहार में भी 40 सीटों में से बहुत सारे ऐसे सीट हैं, लगभग 10 के आसपास ऐसे सीट हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो करती है पर जीत नहीं पाती है। अब उन क्षेत्रों को भी जीतने की पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो उनकी टीम बनी है 10 लोगों की, उस टीम को टारगेट के साथ स्ट्राइक 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्हें फील्ड में छोड़ दिया गया है। 23 तारीख के बाद से ये सब कुछ नजर आने लगेगा और 23 तारीख को आपको पता ही है कि बिहार में भी एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है। 23 और 24 तारीख को क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो 10 मंत्रियों को विशेष प्रभार दिया गया है, 10 जोन बनाए गए हैं और 10 टारगेट सेट किए गए हैं जो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुँचाएं। इसमें सबसे बड़ा टारगेट है कि नए साथियों को एनडीए से जोड़ना और उस समीकरण के तहत उन्हें एडजस्ट करना। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक नई रणनीति बनाई है। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि विशेष सत्र बुला करके उन्होंने पहला ही गेंद बाउंसर मारा है, उसके बाद से अभी कई अलग अलग तरह के बॉलर को उनको आजमाना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन 10 लोगों में जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, संपादक नवन मिश्रा जी ने आपको बताया भी होगा कि नीतीश कुमार से मिलने के लिए नीतीश कुमार के गुप्तचर आए थे, उनका भी नाम इसमें है, जिसमें 10 लोगों में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, नित्यानंद राय, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल, सोनेलाल और बाकी के 3 लोगों का नाम तो आप जानते ही हैं। ये सारे लोग को अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी गई है, टारगेट दिया गया है और इस टारगेट पर 100% स्ट्राइक करना है। इस बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन्हीं चर्चाओं में ये चर्चा आम हो गई है, खास करके जब
राजनीतिक गलियारे की बात करें तो मोदी के प्लान हैट्रिक की फील्डिंग करेंगे नीतीश कुमार, ये बातें भी कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि सब कुछ सेट हो गया है, अब नीतीश कुमार कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्लान बना है, हम आगे जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपको बताएंगे, लेकिन तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।